धोनी के आंसुओं पर विराट जीत दर्ज करकर विराट की टीम जो है वो प्लेऑफ पे पहुंची थी, लेकिन शायद सीएसके में खेलने वाले लोग जो हैं उस हार के सदमे से उबर नहीं पाए थे और दिल में गांठ बांधे बैठे थे। और यही वजह है कि जब प्लेऑफ के मैच में आरसीबी को आरआर ने हराया तो सीएसके वालों ने मौज काटना शुरू कर दिया, या कहें कि जले पर नमक छिड़कना या रगड़ना शुरू कर दिया। हां जी, वो जो खेल कर चले गए सीएसके में वो भी, और वो जो खेल रहे हैं वो भी, दोनों साइड से मौज काटी गई। अंबाती रायडू ने कहा कि भैया ट्रॉफी जो है वो सेलिब्रेशन और एग्रेशन से नहीं पाई जाती है। आप समझ रहे हैं कि ये एग्रेशन से आरसीबी में निशाना किसको साधा जा रहा है। रायडू कहते हैं कि आईपीएल ट्रॉफी आर नॉट वोन बाई सेलिब्रेशन एंड एग्रेशन, आईपीएल ट्रॉफी इज नॉट विनिंग बाई ओनली बीटिंग सीएसके, यानी खाली सीएसके को हरा के नहीं मिलती है ट्रॉफी। जीतना है गुरु तो फिर प्लेऑफ में भी खेलना पड़ेगा। अब ये तो भाई साहब थे रायडू साहब, पुराने खिलाड़ी। तुषार देशपांडे ने एक और कदम आगे बढ़कर एक ट्वीट कर दिया, स्टोरी लगा दी इंस्टाग्राम पे, जहां पर बेंगलुरु कैंट को बेंगलुरु कांट कर दिया। बेंगलुरु कैंट रेलवे स्टेशन, बेंगलुरु कैंट को कांट पढ़िए, यानी आरसीबी नहीं कर सकती है। और फिर स्टोरी पे वो भी लगा दिया कि जी उफ, ये सीएसके के फैंस जो हैं कितने नॉटी हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जब ये दोनों कहानियां आई तो फिर लोगों ने कहा कि सीएसके वाले भूले नहीं है। वो थाला का जो आखिरी मैच हुआ, या शायद हो सकता है वो सीएसके वालों को चुभ रहा है। हालांकि उस मैच में भी वरुण अरोन ने कहा था कि सीएसके वालों को अब तक यकीन नहीं हुआ कि वो आरसीबी से हार सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर सीएसके जो है वो प्लेऑफ्स में जाती है, बमुश्किल से दो या तीन बार आईपीएल में नहीं गई है, बाकी हर साल वो प्लेऑफ क्वालिफाई करते हैं। लेकिन रायडू का ये ट्वीट करना, ये बोलना कि आईपीएल ट्रॉफी सेलिब्रेशन एग्रेशन से नहीं होती है, पिछली बार भी उन्होंने कहा था, आपको याद हो कि जब ये पूरा हंगामा चल रहा था तब रायडू ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि आरसीबी जीत जाए, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो ट्रॉफी जीत गए, या सीएसके को एक ट्रॉफी उठा के इनको दे देनी चाहिए, दे दोगे जिस तरह से जश्न मना रहा। तब भी उनको बिल्कुल वो था, याद कीजिए यश दयाल का वो ओवर, धोनी को पहली बॉल छक्का, 110 मीटर बॉल आई बदली गई, अगली बॉल पर धोनी आउट स्लोअर बॉल पे, फिर दो डॉट बॉल, जडेजा आए, तब तक सब ठीक था, दो पे 10 चाहिए था, फिर जडेजा को डॉट बॉल कराई तो रायडू ने माथा पकड़ लिया था। इसके बाद रायडू भावुक हो गए थे और पोस्ट मैच जब कमेंट्री चल रही थी तब वहां पर काफी हंगामा हुआ था, जिसमें रायडू ने कहा था कि जिस तरह से ये लोग जश्न मना रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मानो ट्रॉफी जीत गए। सीएसके को अपनी पांच में से एक ट्रॉफी दे देनी चाहिए ताकि बेंगलुरु की सड़क पर लेके ये लोग घूमे और जश्न मना ले। अब उस टाइम तो चलिए दिल का दर्द था, लेकिन इस बार मौज काटने की बात थी। दरअसल आरसीबी और सीएसके का मैच आईपीएल 2024 का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच था। इस मैच में या तो आरसीबी जाती या धोनी जाते। यश दयाल का वो फाइनल ओवर कमाल का ओवर था, ड्रामेटिक ओवर था, एब्सोल्यूट सिनेमा वाला था। वो आरसीबी जो 3 मई को 10 तारीख पर थी वो क्वालिफाई कर सकती थी अगर 18 तारीख को धोनी को हराती। धोनी हारे तो धोनी ने ऐसे बल्ला पटका और उसके बाद भावुक हुए, वापस लौट गए रांची। लेकिन धोनी की सेना के जो लोग थे वो नहीं हार मान रहे थे और इसी वजह से सबने अपने आप को भर के रखा था। उस दिन बड़ी खबरें भी आई थी कि शायद कहानी जो है वो गड़बड़ा गई है और आरसीबी वालों ने परेशान किया है, ये सारी कथा कहानी चल रही थी। लेकिन अब जब आरसीबी हार गई है तब तुषार देशपांडे जो कि सीएसके के बॉलर हैं वो सोशल मीडिया पर स्टोरी लगाते हैं और आरसीबीएन से मौज काटने की कोशिश करते हैं। तुषार देशपांडे सीएसके पर इनडायरेक्टली तंज कसते हैं, इनडायरेक्टली निशाना साधते हैं और मौज काट कर लिखते हैं कि भैया सीएसके के फैन भी ना, कितने डाई हार्ट फैन है जी। और कैप्शन क्या होता है, बेंगलुरु कांट।